हेलो वेलकम टू टूरिज्म नोट्स यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे यू के बारे में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ यू एन डब्ल्यू टी ओ यू एन डब्ल्यू टी ओ वॉज इन द ईयर एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यू एक प्लेलिस्ट हमने पहले बनाया है आप जाके चेक कर सकते हो बेसिक्स ऑफ टूरिज़म के ऊपर उससे अगर ज़्यादा आपको कुछ जानना है या फिर आपके सिलेबस में है यूनिवर्सिटी सिलेबस में है या फिर आप टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट हो कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो और मैं उसके बारे में एक वीडियो बना दूँगा अब एक सीरीज और बना रहे हैं हम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितने भी टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है मेजर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्ले है हाउ टू मेक अ टूर पैकेज ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं जो टूर ऑपरेटिंग के बिजनेस में हैं उनके लिए भी है ठीक है यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे यू एन डब्ल्यू टी ओ के बारे में वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू एन डब्ल्यू टी ओ वट इज़ द मेन जॉब ऑफ यू एन डब्ल्यू टी ओ यू एन डब्ल्यू टी ओ वॉज एस्टेबलिश इन द ईयर वट आर द दब्जेक्टिव ऑफ़ यू एन डब्ल्यू टी ओ तो यू एन डब्ल्यू टी ओ स्टैंड फॉर यूनाइट नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लोग गलती करके आते हैं यूनाइटेड नेशन लिख के आते हैं यूनाइटेड नेशन नहीं है वो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ स्पेशाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन आपको पता होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो यू एन डब्ल्यू टी ओ इज अ स्पेशलाइज एजेंसी अंडर यूनाइटेड नेशंस मेन तो जॉब क्या है यूएनडब्ल्यूटीओ का यूएनडब्ल्यूटीओ प्रमोट्स रेस्पॉसिबल सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म यूएनडब्ल्यूटीओ का जो मेन काम है वो है प्रमोटिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म अगर आपको पता नहीं है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म क्या है तो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आप ध्यान से सुनना या फिर आप जाके अपने टीचर को आ, या फिर जो भी आपके पास एक्सपर्ट्स हैं उनको आप पूछ सकते हो बट इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ सो so, पहले बात करते हैं कि जो मेन जॉब है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का वो है टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म तो व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म दैट इंटेंडेड टू मिनिमाइज नेगेटिव सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कहाँ से है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम किसी डेस्टिनेशन को विजिट करते हैं तो वहाँ पे एक क्लैश uh, होता है किसके बीच में टूरिस्ट के बीच में और जो लोकल्स हैं उनके बीच में जैसे कि फॉरेन से Uh, कोई आया इंडिया के किसी गांव में बिल्कुल पुराने गांव में और वो छोटे कपड़े पहन के आया ठीक है तो इंडिया के जो गांव वाले हैं जो लोकल्स हैं उनको ऑब्जेक्शन आए कि हमारे गांव का कल्चर खराब हो रहा है वो छोटे कपड़े पहन के आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है दो जो लोग हैं उनके बीच में क्लैश हुआ जो टूरिस्ट है और जो लोकल्स हैं तो इसको मिनिमाइज़ कैसे हम कर सकते हैं ठीक है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोकल्स को एजुकेट करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ अ कल्चरल डिफरेंस और जो फॉरेनर्स आते हैं उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा हमारे कल्चर के बारे में ठीक है जो गांव का कल्चर है तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तभी जाकर वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा और बाहर से लोग आ भी पाएंगे जो लोकल्स हैं उनका भी भला होगा उनका भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ठीक है दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म यहाँ सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं हो रही है यहाँ इकोनॉमिक की भी बात हो रही है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट की भी बात हो रही है आप डेस्टिनेशन पर जाते हो कूड़ा कचरा अगर आप फेंक के आते हो तो ये रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म नहीं है तो रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना यूएनडब्ल्यूटीओ का, का काम होता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स देखो जब कोई इंसान टूरिज्म परफॉर्म करता है या कोई टूरिस्ट बन के किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो उसकी नीड क्या होती है उसकी नीड ये होती है कि मैं अच्छी जगह पे जा रहा हूँ तो लेट से कि कोई आगरा घूमने गया उसकी नीड क्या है ताजमहल देखना ठीक है ये उसकी नीड है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि आज मतलब हम करोड़ों लोगों को ताजमहल में लेके जा रहे हैं और ताजमहल को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि अच्छे तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ठीक है कोई जाके वहाँ फ़ोटोग्राफ खींच रहा है तो आ, जो मार्बल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं या फिर कोई कूड़ा कचरा फेंक रहा है लोग गंदगी फैला रहे हैं तो ये क्या होगा और धीरे धीरे जो ताजमहल है वो डिग्रेड हो जाएगा और आने वाले शायद पचास साठ या सौ साल में या दो सौ साल में हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ताजमहल बचेगा ही नहीं पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए अगर हमारा हेरिटेज नहीं बचेगा तो हम टूरिज्म कहाँ से लाएंगे टूरिज्म से इंडिया को कितना फ़ायदा हो रहा है टूरिज्म से इंडिया में फ़ॉरेक्स आ रहा है फ़ॉरन एक्सचेंज आ रहा है अगर हम ताजमहल को ही ख़त्म कर देंगे गलत मतलब वहाँ उसको सही से यूज़ नहीं करेंगे सही से वहाँ पर टूरिज्म को परफॉर्म नहीं करेंगे और ताजमहल ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास फॉरेक्स कहाँ से आएगा तो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है आप जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स है उसको आप यूज भी करो और उसको बचा के भी रखो ताकि वो फ्यूचर जनरेशन है वो यूज़ कर पाए ठीक है इसको प्रमोट करना यू का काम है देन नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबल टूरिज्म एक्सेसिबल टूरिज्म का ये मतलब है कि जो पर्सनस है विथ डिसबिलिटीज़ जैसे कि कोई चल नहीं पा रहा किसी को सुनाई नहीं दे रहा आ, तो उनके लिए टूरिज्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना ये यूएनडब्ल्यूटीओ का एक मतलब काम होता है ताकि दुनिया में जितने भी लोग हैं जितने भी ह्यूमन्स हैं वो इक्वली एक्सेसिबल इक्वली एक्सेस कर पाए जो टूरिज्म एक्टिविटीज को राइट सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है कि यूएन डब्ल्यू टी ओ वॉज इन द ईयर 1975, 1975 में यू एन डब्ल्यू टी ओ को बनाया गया था सो यू एन डब्ल्यू टी ओ वॉज एस्टब्लिश इन नाइनटीन सेवनटी फाइव अगर आपको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या फिर सस्टेनेबल टूरिज्म या फिर यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म के बारे में पता नहीं चला तो आप जाके आपके पास जो एक्सपर्ट्स हैं आपके टीचर्स हैं या फिर आप ट्रेवल एजेंट हो तो किसी टूर ऑपरेटर से या कोई पढ़ा लिखा इंसान जो के बारे में जानता हो तो उनसे जाके आप पूछ सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मैं इनके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू तो यू के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हम पांच बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम जो मेन पांच ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं तो आप ध्यान से सुनो अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट डाउन करो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट टूरिज्म एज ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट टूरिज्म एज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस तो एज टूरिज्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि टूरिज्म को हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल प्रोग्रेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपको पता होगा कहीं अगर टूरिस्ट आता है तो उस एरिया का जो है लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता है वहाँ पे इकोनॉमिकली वो एरिया डेवलप होता है क्यों क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है जैसे कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है बहुत सारे मिलेनर बिलियनर्स रहते हैं मुंबई भारत का कोई छोटा सा गांव है वहाँ पे कोई करोड़पति नहीं रहते कोई नहीं रहता पर मुंबई के लोग अगर उसी गांव में घूमने आते हैं तो वहाँ पे वो कुछ पैसे स्पेंड करके जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस एरिया का वो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सोशल प्रोग्रेस क्या है दो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कल्चरली डिफरेंस जो कल्चरल डिफरेंस है हमारे देश के अंदर या फिर हमारे देश के बाहर जो कल्चरल डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करेंगे तो आज ए सोसाइटी एज ए होल कंट्री हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर आज ए होल वर्ल्ड हम आगे बढ़ पाएंगे ये था पहला ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट टूरिज्म एज ए मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस सेकेंड टू एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म रिलेशन ठीक है दोनों देश के बीच में टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े उसको कैसे इंकरेज हम करेंगे ये यूएनडब्ल्यूटीओ का काम है यूएनडब्ल्यूटीओ का काम है हमारा काम नहीं है टू एनकरेज द एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म सेम चीज है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कल्चरल डिफरेंस को कम करने के लिए All right. uh, तो तीन नंबर क्या है जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू मेंबर कंट्रीज इन द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर्स तो टेक्निकल असिस्टेंट मतलब जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है तो उसके हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आ, मैं कहाँ गया था आ, शायद मैं भूल गया जगह जहाँ पे बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहाँ पे अभी आप जाओगे तो आपको ईयरफोन्स दिए जाते हैं आप कान में लगाओ और फिर आप डेस्टिनेशन के अंदर जो मोन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आप जाओ और ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजें आपको टूर गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी है तो इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराना ये सारे टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना ये यू एन डब्ल्यू ओ का काम है फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन टूरिज्म एंड कैरी आउट रिसर्च टूरिज्म के ऊपर जितने भी रिसर्च है उसको प्रमोट करना यूएनडब्ल्यू का काम है तो नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज तो टूरिज्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना और फैसिलिटी को बढ़ावा देना और इनके बीच में मेन जो चीजें आती है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन आता है जैसे कि अभी नया चालू हुआ है ट्रेंड स्पोर्ट्स टूरिज्म का ठीक है हमारे देश से लोग जाते हैं दूसरे देश में स्पोर्ट्स परफॉर्म करने खेलने जाते हैं तो उनके लिए एक अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो टूरिज्म का ही चल रहा है जैसे कि आप आ, आ, कैसे आपको मैं बताऊं जैसे कि आप गए ओलंपिक्स देखने ठीक है आप जी उसका पूरा पूरा एक पैकेज बनता है कि आप ओलंपिक्स देखने जा रहे हो तो वहाँ पे कहाँ पे रुकोगे आप और जहाँ पे जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट आप घूम सकते हो इसका पूरा पूरा एक पैकेज बनता है इसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स टूरिज़्म तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है और ये सारा प्रोवाइड कराना काम है इसको प्रोवाइड कराना और इसको प्रमोट कराना काम है जो यू का है तो अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ जो पाँच ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया first to promote tourism as a means of economic development and social progress second to encourage the establishment and expansion of international tourism relations third to provide technical assistance to member countries in development and improvement of tourism sector to collect fourth to collect the information on tourism and carry out research fifth to promote international cooperation in the development of tourist infrastructure and facilities ठीक है ये सारा सब कुछ यू एन टी ओ के बारे में है यू एन टी ओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम में आता है सबको जानना चाहिए आप ट्रैवल एजेंट हो टूर ऑपरेटर हो या फिर आपको आगे जाके ट्रैवल एजेंसी चलाना है कोई भी हो आप आपको यू एन डब्ल्यू टी ओ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यू एन डब्ल्यू टी ओ के जो जर्नल्स आते हैं वो आप पढ़ना चालू करो और उसकी वेबसाइट है वो भी देखो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके बाद मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ ये सारे मुझे पता है थोड़ा बहुत बोरिंग है बट ये बेसिक है हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसके बाद हम बात करेंगे कल्चर के बारे में हिंदुज़म इस्लाम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता चलेगा जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे और बाकी कल्चर्स कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है रशियन कैसे होते हैं इटालियंस कैसे होते हैं स्पेनिश पीपल कैसे होते हैं अमेरिकन uh, कैसे होते हैं यूके के के लोग कैसे होते हैं जापान के लोग कैसे होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ Thank you so much. See you in the next video.